हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हो, तो चैप्टर नंबर 3 में हम लोग MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और आपका जो यूनिट टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट सेकेंड जो होगा मैथ्स में, उसमें चैप्टर नंबर आपका 3 आएगा और चैप्टर नंबर 4 आएगा, जो आपके 15 सेप्टेम्बर के बाद कभी भी हो सकते हैं। ये यूनिट टेस्ट 20 मार्क्स के होंगे, जैसे आपका फर्स्ट यूटी हुआ था उसी तरह से होंगे, ऑनलाइन होंगे ये। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना ये पहले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए बॉय फ्रॉम ए क्लास ऑफ 34 स्टूडेंट्स इफ़ देर आर 13 गर्ल्स इच। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके 34। उसके बाद क्या हैं? गर्ल्स हैं, गर्ल्स हैं वो 13 हैं, ठीक है। तो अभी बॉयज़ कितने हो गए? बॉयज़ हो गए आपके 34 और -13, ठीक है। तो ये आपके कितने बच जाएंगे यहाँ पे? 21। तो बॉयज़ आपके कितने हो गए? 21 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, प्रोबेबिलिटी किसकी? बॉयज़ की। द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए बॉय, बॉय की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बॉय, इसकी बॉय की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? तो बॉयज़ हैं कितने? 21 है। और टोटल स्टूडेंट्स कितने पूरी क्लास में? ये टोटल स्टूडेंट्स आपके 34। तो एक बॉय जो है उसकी प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? 21/34। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स हमें ये अपना क्वेश्चन कर लेना है, क्योंकि ये एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी तरह से उसको कैलकुलेट करके और आंसर का पता लगाना है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है, आप लोग इसको देख लेंगे। अभी स्टूडेंट्स, हम लोग अपना सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 7। इफ़ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 12, देन द मीन ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर इज। ये कह रहा है कि 10 नंबर्स हैं जिनका मीन है 7 आ रहा है, और उस सेट में जितने भी नंबर हैं, 10 नंबर्स हैं, उनमें से हर एक नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद नए नंबर आएंगे, और नए जो 10 नंबर आएंगे उनका मीन है वो कितना आएगा, ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है? अगर प्रत्येक नंबर, ईच नंबर है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम लोग मीन जो है ना, मीन उसको ही जितने नंबर से प्रत्येक नंबर को मल्टीप्लाई किया गया उसको मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारे पास जो नया मीन है वो आ जाएगा डायरेक्टली। तो हमारे पास कितना था पहले? मीन 7 था, और हर एक नंबर को कितने से मल्टीप्लाई किया गया? 12 से मल्टीप्लाई किया। तो हम मीन को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नया मीन हमारे पास आ जाएगा। तो 12 7 जाए कितने होते हैं? 84। तो न्यू मीन आएगा वो हमारा कितना आएगा? 84 आएगा। तो ऑप्शन आपका डी है वो करेक्ट रहेगा। तो इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं और सभी ऑब्जर्वेशंस को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जैसे मान लिया बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है और प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो पहले जो मीन आ रहा है उसका 8 टाइम नया मीन आ जाएगा। इस तरह से आपको कर लेना है, ठीक है। तो इसका 84 ऑप्शन आएगा, तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा आपका। अब स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, इसमें थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ए लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए वॉल, ठीक है। तो पहले तो मैथमेटिक्स में देख लेते हैं हम लोग कितने इसमें, यहाँ पे कितने इसमें लेटर्स हैं। तो ये लेटर्स को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या आएगा? वॉल की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। तो टोटल आपके लेटर्स हैं वो कितने हैं? यहाँ पे 11 है। और वॉवल्स कितने हैं? वॉवल्स हम देखते हैं यहाँ से, ए हो गया, ई हो गया, ए हो गया, और ये आई हो गया, ए ई आई ओ यू होते हैं ना। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 वॉवल्स हैं, तो 4 आ जाएगा ऊपर। तो वॉवल्स जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसमें मैथमेटिक्स वर्ड में? ये 4/11 होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका? ऑप्शन सी है वो सही रहेगा, ऑप्शन सी को आपको सिलेक्ट कर देना है। तो इस तरह से हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है उनका मीन आपको निकालना है। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हमारे कौन कौन से होंगे वो लिख लेते हैं हम लोग। चलो मीन ही लिख लेते हैं हम लोग, मीन। तो इसमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हम लोग लिखते हैं यहाँ से, 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10। ये 1 to 10 है नेचुरल नंबर, और मीन निकालना, और ये कितने हैं? 10 नंबर हैं, तो हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको जब ऐड करते हैं, सारे ऐड करते हैं तो हमारा 55 आता है, कितना आता है 55, और ये अपॉन 10 आ गया। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो क्योंकि 1 है और ये 0 है तो 1 प्लेस के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना जाएगा 5.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो 1 to 10 जो नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं, उनका मीन आएगा 5.5। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, इसमें ऑप्शन बी है वो सही रहेगा। इस तरह से आप लोग इसको जोड़ कर देखना चाहें तो जोड़ कर भी देख सकते हैं, 55 ही आता है। तो अभी स्टूडेंट्स हम लोग अपना फिफ्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, द मीन ऑफ 12, 10, x, 20 and 18 इज 17, फाइंड एक्स। तो आपका जो मीन है उसका फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं मीन। तो मीन में क्या क्या दे रखा है, इसमें 12 दे रखा है, यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन से वो लिखते हैं एक बार। 12 है, प्लस 10 है, प्लस एक्स है, प्लस 20 है और प्लस 18 है। ठीक है, और ये कितने नंबर हो गए आपके, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर हम 5 से इसको डिवाइड कर दें तो हमारा मीन आ जाएगा। तो मीन अभी दे कितना रखा है, ये मीन दे रखा है, तो इस मीन को हटा के इसकी जगह मैं कितना रखता हूँ 17 इज इक्वल टू। अभी क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे 5 आ गया, इनको ऐड कर देते हैं, इनको ऐड करते हैं तो यहाँ से देख लेते हैं कितने आते हैं, 18 और ये 12, 30 हो गए, और ये भी 30 हो गए, तो 60 हो गए ना। तो ये आपका 60 प्लस एक्स, क्या आ गया 60 प्लस एक्स। देखो यहाँ से 18 और 12 30 हो गए, और 10 और 20 30 हो गए ना, 60 प्लस एक्स, तो 60 प्लस एक्स एक्स हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, 5 को इधर भेज देते हैं, तो 17 × 5 इज इक्वल टू 60 और प्लस एक्स। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, 85 कर देता हूँ, इसके मल्टीप्लाई करते हैं 17 5 से, और 60 को इधर भेज देते हैं तो -60 आ गया, इज इक्वल टू एक्स आ गया। तो दिस इम्प्लाइज एक्स आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसको एक्स को लिखते हैं, तो 85 - 60 कितने होते हैं, वो 25 होते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके, 25 आ जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग ये क्वेश्चन अपना सोल्व कर सकते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, आपका बी ऑप्शन सही रहेगा, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, रिवाइज MCQs ऑफ चैप्टर 3 इन रफ नोटबुक। ये आपको रफ नोटबुक में ये MCQ है अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है। स्टूडेंट्स कुछ बच्चों की बुक में ये क्वेश्चन नहीं भी मिल सकते हैं, तो भी उनको ये क्वेश्चन कर लेने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।